अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती जा सितारा में तवांजी होस्ट बाखपीरज़ादा जो तवांखे सलाम। अज असा एक नए सितारे सा गद तवांजे अगियां हाजिर आयूं। एकड़ो एड़ो सितारो जेको पेंजी फील्ड में पेंजो पान मंजराए थो, एकड़ी एड़ी लेडी, एड़ी बहादुर खातून जेंजी मां तारीफ़ छा कयां। असल में असांजी सोसाइटी जा असांजे जेके मोस्टली पॉलिटिशियंस आहिनि या सियासत जो जेको शोबो आहे उन में सच तमामु घटि ॻाल्हायो वेंदो आहे। इहो नॉर्मली माण्हू अज्यूम कंदा आहिनि या यकीन बि कंदा आहिनि। सच ॻाल्हाइण वारा तमामु घटि माण्हू हूंदा आहिनि जेके सच ॻाल्हाइनि ऐं यकीन ते ऐं हक़ ते ॻाल्हाइनि ऐं मां जेको नीडी माण्हू आहिनि, ज़रूरतमंद माण्हू आहिनि, उन्हनि जो हिकिड़ो सहारो साबित थियनि। अॼु असां जंहिंजे घर, जंहिं सितारे जे घर मौजूदु आहियूं, उहा पाण जेका CM जी एडवाइज़र रही चुकी आहे ऐं वेलफेयर सोशल वर्क जी वेलफेयर उन हवाले सां कमु करे चुकी आहे, तमामु बहादुर, तमामु बुर्दबार ख़ातून आहे ऐं हींअर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जी चेयरमैन आहे। असां मौजूदु आहियूं मैडम शमीम मुमताज़ जे घर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपने हमें वेलकम किया और टाइम दिया आपके बिज़ी शेड्यूल से, क्योंकि मुझे यकीनन आपका जो काम है, मैं समझती हूँ इतना ज़िम्मेदारी वाला काम है जो बहुत बहादुरी से आप निभा रही हैं और इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल है हमारे कराची में, हमारे मुल्क में, और जो स्पेशली आजकल जो हालात हैं शहर के, मुल्क के, उन चीज़ों को हैंडल करना, तो आपको बहुत एक हिम्मत की बात है जो आप कर रही हैं। सबसे पहले तो धरती चैनल का सितारा बनने पर मैं बहुत आज खुशी का इज़हार करूँगी कि ज़ाहिर कतरा कतरा दरिया बनता है और सितारे सितारे जब मिलके चलते हैं तो फिर आसमान जो है वो जगमगाता है, और बहुत सारे सितारे हैं जिनको हम बिल्कुल नाम भी ले सकते हैं, और आपको नज़र भी आ रहा है मेरे पीछे भी दो बहुत चमकदार सितारों की लगी हुई है जो कि आइडियल भी हैं मेरे। शमी मुमताज़ मेरा नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रही हूँ लेडीज़ विंग की मैं 9 साल, कराची डिवीज़न की, और इस वक्त मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिंध वेमेन विंग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एक्स काउंसलर रही हूँ, एक्स मिनिस्टर रही हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और फिर एडवाइज़र टू CM, और इस वक्त मैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हूँ। अभी कुछ अरसे पहले तक मैं सीनियर सिटीज़न काउंसिल की भी चेयरपर्सन थी, जो कि हाई कोर्ट की रोशनी में एक हमारा सीनियर सिटीज़न सोशल वेलफेयर के अंडर एक डिपार्टमेंट है सीनियर सिटीज़न। तो मिनिस्टर चूँकि नहीं थे, डेथ हो गई थी, तो मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है, तो जब मिनिस्टर नहीं था तो हाई कोर्ट ने फैसला किया कि सीनियर पर्सन जो है उस कमेटी का वो, तो मैंने 6 महीने अभी उसको भी देखा। अच्छा। और बहुत जल्दी सिंध के बुज़ुर्ग अवाम जो हैं, जो 60 साल ऊपर हैं, वो खुशखबरी सुनेंगे कि सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किया है उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए। जहाँ तक सच और बहादुरी और उसकी बात है तो ये कहीं अंदर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये बना बनाया होता है। और ये मैंने जो मुझे मिला है ये सारा कुछ, ये मुझे बीबी शहीद से मिला। मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैं बीबी की जानिसार बेनज़ीर एक टीम थी, मैं उसकी मेंबर हूँ, और बीबी जब आई थी 18 अक्टूबर को पाकिस्तान 2007 में, और बम ब्लास्ट हुआ, उसमें हम सब भी ज़ख्मी हुए, मैं भी, मेरा भी शुमार उसमें था, बहुत सारे लोग हमारे शहीद हुए थे उसमें। उसके बाद तीसरे दिन बीबी ने ज़िम्मेदारी दी बुला कर कि क्या कर सकती हैं, हमने कहा 24 घंटे बीबी आपको दे सकते हैं, जान माल तो बहुत दूर की बात है। तो 18 को बीबी आई थी और 19 और 20 अक्टूबर को हमने एज़ ए अपना 4 ख़वातीन थे, मैं, मेरे साथ और 3 ख़वातीन, जिसमें यास्मीन भट्ट, परवीन भट्ट और नूरजहाँ बलोच, तो 4 हम ख़वातीन थे और 70 लड़के थे मुख्तलिफ यूथ के और PSF के। तो बीबी ने एक टीम बनाई और हमें एक बाकायदा कार्ड इशू हुए और हम जानिसार बेनज़ीर टीम का हिस्सा बने। 2 ख़वातीन बाहर होती थी बिला भला उसके गेट पर, और 2 ख़वातीन मैं और यास्मीन भट्ट बीबी के चैम्बर के बाहर होते थे। हमारा काम बस, हमारा काम सिर्फ इतना था कि जो लोग आते हैं बीबी से मिलने, क्योंकि बीबी अवामी थी, अवाम में रहना चाहती थी, लेकिन हालात जिस तरह के हुए तो बीबी की सेफ्टी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि बीबी सेफ़ रहेंगी तो कुछ और हो सकेगा। तो बीबी के चैम्बर के बाहर मैं और वो होते थे, और बस हमारा सारा दिन ये काम होता था कि बीबी चैम्बर में से निकलें और हमारी तरफ़ देखें और मुस्कुराएं, तो बस हमारे लिए वो दिन जो था वो बहुत यादगार हो जाता था।
और जिस दिन बीबी को हम सारा दिन नहीं देखते थे तो उस दिन हमें लगता था इस बात से आपकी डेडिकेशन और आपकी जो पैशन और लगन का मुजाहरा हो रहा है कि जिस तरह आपने दिल से अपना काम किया और बीबी के साथ आपकी अपनी अटैचमेंट जो होती है। मुझे ये रहा कि जब मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और बीबी नहीं थी पाकिस्तान में, दुबई में थी, अजायल में थी, तो उस वक्त मुझे ये लगता था कि मैं बीबी से कभी नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि इतना रश और वो कुछ, मैं फिजिकल परफेक्ट नहीं हूँ। मैं 2019-94 में पैरालाइज हो गई थी, मेरी टांगों ने काम करना छोड़ा था, फिर मेरी सर्जरी हुई बैकबोन की और उस सर्जरी के बाद डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने मेरी सर्जरी की थी एओ क्लिनिक में और उन्होंने मुझे ये कहा था, उस वक्त एक जुमला मुझे कहा था, वो मुझे मजाक में आंटी कहते थे। अच्छा। तो मुझसे कह रहे लगे आंटी आपको अल्लाह ने जो खड़ा किया ना पैरों पर तो कोई ना कोई काम लेना चाहता है आपसे, तो बस वो जो एक था ना जहन में। तो मैं जब बीबी आई तो मुझे ये लगता था कि इतने रश में मैं नहीं मिल पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मुझे धक्का लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो मैं बड़ी बददिल थी। लेकिन बस कहीं एक रमक थी थोड़ी सी कि बीबी एयरपोर्ट पे उतरी, आप यकीन करें मेरे अब भी रोंगटे खड़े होते हैं, बीबी एयरपोर्ट पे उतरी, मेरे पास इंटरनेशनल मीडिया की टीम की गाड़ी थी, ट्रक था, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन थी, मैं और सईद गनी हम संभाल रहे थे, एक ट्रक को सईद गनी संभाल रहे थे, एक को मैं संभाल रही थी, वो इंफॉर्मेशन थे। तो बीबी जब उतरी और बीबी ट्रक पे सवार हुई तो बीबी के एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब और एक तरफ मुझे इस वक्त मखदूम अमीन फहीम साहब। तो जब बीबी यूं यूं सबको कर रही थी तो मैं ट्रक पे से यूं इशारे कर रही थी बीबी को ना कि बीबी मैं इधर हूँ, फासला था। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की निगाह पड़ी मेरे ऊपर तो उन्होंने मुझे यूं किया और फिर उन्होंने बीबी से कुछ कहा तो बीबी हमारी तरफ पलटी और बीबी ने जब यूं करके हाथ हिलाया तो बस मुझे लगा कि आप मुकम्मल हो गई, सियासत मुकम्मल हो गई बीबी के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता इतने रश में बीबी ने मुझे देखा कि नहीं देखा, लेकिन वो जो उनका हमारी तरफ पलटना था और हम जो रोए थे फिर उस वक्त जितने ट्रक पे खवातीन थे हम, वो वैसे ही पूरी कौम के लिए एक बहुत ही इमोशनल सिचुएशन थी। हो सकती है और फिर एक हादसा हुआ बहुत बड़ा। जी जी बिल्कुल। हम बीबी की लाइफ के 72 दिन जो मैं काउंट करती हूँ 20 अक्टूबर से लेके और 11 सितंबर तक, बीबी जब गई है कराची से उस वक्त तक बिलावल हाउस में हमारी ड्यूटी होती थी वॉलंटियर, हमने कुछ नहीं मांगा, सब खाना जैसे खाते थे हम खाते थे। फ़ख्र ये था कि बीबी जब कुछ खाती थी तो हमारे लिए प्लेट में बाहर आता था कि वो दो बैठी हुई हैं बाहर, हम दो थे ना मैं और यास्मीन, तो भेजती चाहे वो दो हमारे लिए नगेट्स आते थे चाहे वो चने, बीबी बहुत शौक से चनों की चाट खाती थी तो वो चाट होती थी तो वो हमारे लिए आती थी। तो वो जो सरमाया था ना मेरा इतने दिन का, फिर बीबी जब जा रही थी कराची से विजिट पर पूरे पाकिस्तान के, तो हमने कहा बीबी हमें भी अपने साथ ले चलें, तो बीबी ने कहा कि नहीं तुम लोग आराम करो बहुत थक गए हो और ना बहुत सारा काम करना है हमने। अच्छा मज़े की बात यह है कि हम चारों खवातीन छोटे कद के हैं और बीबी बहुत लंबी थी, तो हम बीबी से मजाक करते थे बड़ी हिम्मत करके, डर भी लगता था, हिम्मत करके मजाक करते थे कि बीबी हम यहाँ तक आपको संभाल लेंगे, इसके ऊपर नहीं संभाल सकेंगे, हम छोटे हैं, तो इत्तेफाक देखेंगे बीबी के सर में गोली लगी। तो हम खुश हैं कि कम से कम हम गैर मौजूदगी में से ही बीबी को यहाँ से तो संभाल सके कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन काश कि लेकिन ये इंसान के बस की बात तो नहीं होती है, कुछ हादसात ऐसे होते हैं, लेकिन आपने भी अपना जो बन पड़ा आपसे आपने किया इतनी हिम्मत के साथ और जो आप बता रही हैं ये यादगार लम्हात। हम 40वें तक बीबी के बिलावल हाउस में रहे और हर जुमेरात को कुरान खानी और वो सब कुछ, और मैं कभी किसी को रोने नहीं देती थी कि रोना नहीं, बीबी मरी नहीं है, बीबी हमारी शक्ल में जिंदा है। और मैं आज भी कहती हूँ कि मैं भी बेनज़ीर हूँ और जितनी खवातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है वो सब बेनज़ीर हैं और जो पीपल्स पार्टी में नहीं है वो भी बेनज़ीर हैं क्योंकि उनका भी एक अपना मुकाम है। तो वो चालीस ये बहुत ही आपने एक और एक मेरा मैसेज आज भी आपके चैनल के थ्रू, आपकी धरती सितारे के थ्रू एक चैनल पे मेरा मैसेज है कि मुझे बिलावल को वज़ीर आज़म देखना है। मैं उस वक्त से ये मेहनत कर रही हूँ कि मेरी जो एफर्ट है वो सारी बिलावल के लिए है और एक दफ़ा बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए, आपकी जो मेहनतें हैं बस वो मेरा ज़िंदगी का समझ लें कामयाबी का अहम तरीन दिन होगा जिस दिन बिलावल मेरा वज़ीर आज़म बनेगा और इंशाल्लाह हम कह सकेंगे कि बिलावल आएगा और इंकलाब बिल्कुल आना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी जो बात है प्रोफेशनली, आपने जो अपनी लगन और हिम्मत और बहादुरी की बात आई है, मैं आपके रोल मॉडल तो शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, लेकिन मैं समझती हूँ इसमें आपका बचपन, आपका अपग्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स, उनका भी बड़ा हाथ है कि ये ऐसे ही तो नहीं आया होगा, आपकी ये खून में होगा, आपकी रग रग में होगा ये चीज़। तो पीछे आप मुझे ले गई बिल्कुल। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से
मेरी पैदाइश मलीर की है, कराची का हमारा डिस्ट्रिक्ट है मलीर, मेरी वहाँ की पैदाइश है। और बहुत एक जब मलीर जब मैं पैदा हुई होंगी तो बहुत ही पसमानदा होगा, अब तो मलीर ज़ाहिर बहुत बेहतर है जी जी। वहीं के एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, तो लीडरशिप का जो एक वो था ना जरासीम, वो वहाँ पैदा हुआ। टीचर्स कुछ थोड़ा सा भी कुछ करती थी तो मैं 4-5 लड़कियों का एक ग्रुप बना लेती थी और अपनी बात को पहुँचाती थी। अनफेयर सिचुएशन आपको कतई मंजूर नहीं है। वो हुआ ये कि मेरी टीचर गई छुट्टी पर, एक टीचर होती थी हमारे जमाने में, सब्जेक्ट टीचर नहीं होते थे, एक ही टीचर होती थी सारे सब्जेक्ट कोई पढ़ा, वो छुट्टी पे गई तो हमारे पास कुछ आरजी एक टीचर दे दी गई हमें। उन्होंने ये किया कि वो हमें सिर्फ काम दे देती थी कि ये लेसन है इसको 6 दफ़ा लिखो, इसको 8 दफ़ा लिखो, कॉपियाँ चेक नहीं करती थी। धूप में बैठे हैं तो धूप में बैठे हैं, सर्दियों में गवर्नमेंट स्कूलों में पता है बाहर आ जाते जी जी बाहर आउटडोर करते थे, तो ये सारा सिलसिला था। तो वो धूप में हम बैठे हैं तो एक टीम आई जब विजिट करने, तो मैंने सब लड़कियों को तैयार कर लिया कि इनको छोड़ना नहीं है। तो सब लड़कियाँ अपनी कॉपियाँ लेके खड़ी हो गई हैं, मिस देखें किसी पे साइन नहीं है, वो कॉपी चेक नहीं करती हैं और हमारी कॉपियाँ। तो वो जो एक था ना उस वक्त का दौर वो कहीं जहन में रहा। फिर वक्त के साथ उम्र बढ़ती गई, उसके बाद मोहल्ले में थोड़ा सा काम शुरू किया कि अगर किसी की लाइट नहीं आ रही तो मैं शमी मुमताज साहिबा लीडर के इलेक्ट्रिक में लड़ने जा रही हूँ, जब के इलेक्ट्रिक था, मतलब वो सोशल वर्क आपका तभी से था। लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि सोशल वर्क करने में ना आपके पास इख्तियार नहीं है, आप सिर्फ शोर कर सकते हो, कहीं किसी दफ्तर के आगे जाके शोर कर लिया, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। तो उस वक्त फिर एक चीज जहन में आई, उसके लिए अथॉरिटी चाहिए, बस उस वक्त जहन में आई कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और फिर प्लेटफॉर्म की जब बात हुई तो फिर एक औरत जब लीडर हो तो उससे बेहतर और प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है। बिल्कुल। तो बस वो उस वक्त की चीज़ें थी, घूमते घूमते आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं शमी मुमताज हूँ और मेरी पहचान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम भी फ़ख्र से कह सकते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा हैं और बहुत फ़ख्र के साथ आपको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सिंध में, हमारी सिंध पे जो काम है, आपसे बहुत उम्मीदें भी। मैडम, जवानी का दौर जब आपने बताया कि आप इस तरह मोहल्ले में, तो उस वक्त की कोई इस तरह आपकी दोस्ती यारी कुछ इस तरह की, आपका फीमेल का कोई ग्रुप होगा जो अभी तक आपका है किसी से कांटेक्ट, या आप उनसे रब्ता करती हैं या कुछ इस तरह का सोशल वर्क वो करती हैं? मेरा ये जो आप जहाँ बैठी हुई हैं बाथाईलैंड में, यही मेरा एक तरह से, मैं 86 से यहाँ रह रही हूँ। 86 का मतलब है बहुत बड़ा एक लॉन्ग टाइम। तो अहले मोहल्ला की जो सारी हमारी ख़वातीन हैं वो भी जब मसले मसाइल होते हैं तो हम सब एक जगह जमा हो जाते हैं। दोस्तियाँ मेरी ज़्यादा नहीं है किसी से भी, वैसे मैं बहुत मिलनसार हूँ, मुझे लोगों में रहना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, सुनना पसंद है, लेकिन एज सच मैं दोस्तियाँ इसलिए नहीं करती कि मुझे मुनाफिकत नहीं पसंद और झूठ नहीं पसंद, किसी को भी नहीं होता जी जी। तो जब मुझे ये एहसास होता है कि यहाँ झूठ और मुनाफिकत शुरू हो गई तो फिर मैं थोड़ी सी बैकफुट पर डिस्टेंस हो जाती है। बिल्कुल। और बैकफुट पर होने का मतलब ये होता है कि थोड़ा आप कट जाते हैं। फिर उसके साथ साथ कुछ और शौक़ भी हो जाते हैं, किताबें पढ़ना, टीवी देखना, मोबाइल पहले नहीं थे, अब मोबाइल भी आ गए, पहले PTCL पे होता था, गपशप कर ली। दोस्तियां हैं, बहुत मखसूस दोस्तियां हैं मेरी और वैसे मेरे सब दोस्त। ये मेरे ख्याल से इसी चीज़ की निशानदेही करती है कि आप इतनी प्योर और जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा जो होता है वो बहुत बुरा होता है लेकिन ये आजकल बहुत कम मिलते हैं इस तरह के बंदे, इस तरह के सितारे बहुत कम मिलते हैं। 2-3 दिन पहले मैं असेंबली के वहाँ बैठी हुई थी लॉबी में, अभी सेशन शुरू नहीं हुआ था, 2 दिन पहले की बात है, तो वहाँ भी कुछ ऐसा टॉपिक निकला तो मैंने इस तरह की बात की, तो मेरी एक कुलीग उसने कहा कि बोल तो तल्ख रही हो मगर सच बोल रही हो, क्योंकि सच हमेशा तल्ख रहता है, हमेशा कड़वा है। ठीक है, आपके लोगों में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ गुजारा करना है, सब मेरी सोच के मुताबिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं एक अपने आप को जब तब्दील नहीं कर सकती तो इतने सारे लोग अपने आप को कैसे तब्दील करेंगे। ये तो ठीक है, बस इन्हीं में रहते हुए जहाँ तक हो सकता है कोशिश होती है कुछ करा जाए। ये बहुत हिम्मत की बात है और बहुत मुझे, मैं तो बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो रही हूँ इस वक्त, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। आपको मैडम शेर व शायरी और पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट है? नौजवानी में मैं खुद भी लिखा करती थी। अच्छा। 2-4 अफसाने भी लिखे, स्टार्ट बहुत अच्छा होता था, एंड करना कभी नहीं आया समझ ही नहीं आता था अब किसको मारूं किसको बचाऊं तो मुझे हमेशा से जो है ना वो कॉमेडी और जिसका एंड बहुत अच्छा हो, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग मुझे अच्छी लगती है। और मुझे जो होती है ना सैड सैड वाली चीज़ें वो तकलीफ देती है मुझे बहुत, मैं बहुत नाजुक मिजाज, बहुत हसास है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा। कल की बात है, स्ट्रीट फोर पे सुना डॉग मारे जा रहे हैं, तो मेरी एक बाहर जंगली बैठती है वो कुतिया, मैं बहुत चीख चीख कर रोई कि आज वो भी नहीं बचेगी। ये तो बहुत आपकी एक इंतहा है सेंसिटिव नेचर होने की। तो बस अफसाने भी लिखे, शायरी भी की।
ठीक है, तो अभी आपकी सेंसिटिविटी के हवाले से आपका भी एक ये भी मंजर हम दिखाएंगे नाजरीन तमाम मैडम के बुधो हों बिल्कुल कड़ी किस्म की बहादुर औरत सेंसिटिव औरत इमोशनल औरत सच गाली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन जजकल के दौर में तमाम घट मिलन थी वरी इंटरेस्टिंग गुफ्तगु जारी रही मैडम से मिलूँ था नंढड़ी ब्रेक का वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक का हाजिर आयो अस मौजूद आयो चाय की टेबल से जो तुम ऐसो चाय भी मौजूद है काफ़ी सारे शूं मैडम असाज लाए रखी मैडम से गुफ्तगु भी जारी है इंटरेस्टिंग सवाल जवाबन जो मरहलो भी जारी रह मैडम आप ने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि बहुत ही सेंसिटिविटी आपकी नेचर में है बहुत इमोशनल और बहुत एहसास करने वाली नेचर आपकी है आपने मैंने देखा है आपके घर में पेट्स भी हैं काफ़ी बिल्लियां वगैरह भी आपने पाली हुई हैं तो ये कितनी बिल्लियां हैं एग्जैक्टली आपने जो पाली हुई है देखिए असल में जब मैंने पाला तो सिर्फ एक लड्डू था मेरे पास अच्छा ये 8 साल पुरानी बात है तो मैंने शगुफ्ता जुमानी जो हमारी MNA हैं उनसे मैंने एक तोहफा तन लिया था फिर उसके बाद आते चले गए अच्छा फिर हमने डॉक्टर से कहा जी वाइट चाहिए तो एक फीमेल आ गई फिर फीमेल के बाद तो मेरे ख्याल से इनका बहुत ख्याल करना पड़ता है इतनी इनकी केयर इतना टाइम देना पड़ता है मेरे साथ साथ है वो ये बहुत नाजुक मिजाज होते हैं जी जी बिल्कुल और जेलेसी कूट कूट कर भरी हुई है एक आ जाए तो दूसरा जो है वो इतना जेलिस होता है और लड्डू खास तौर पर मेरा वो जेलिस होता है तो पूरा घर गंदा करता है जहाँ दिल चाहता है वो फिर शुशु भी करता है और फिर वो काटता भी नहीं, है बहुत इनकी केयर करनी पड़ती है आपको अपना प्रोफेशन भी आप संभाल रही हैं मुल्क के हालात को भी आप देख रही हैं और ये इनको भी नखरे भी इनके भी उठा रही हैं कैसे मैनेज कर रही हैं इन सब चीज़ों को जब मैं बाहर से आती हूँ ना उस वक्त आप देखा करें जब मैं कहती हूँ ना अस्सलामु अलैकुम घर में आते तो कहीं भी हो ये दोनों आंखें मलते हुए दोनों कहीं ना कहीं से निकल के आते हैं मेरे पास और पहले इनका काम होता है इनकी टेबल किचन में रखी हुई है तो ये सीधे जाते हैं टेबल पे बैठ जाते हैं कि अभी इन्हें खाना चाहिए बहुत मेंटेन और मैनर्स के साथ आप तो आपको टेबल के बाद मैं फिर कुछ और नहीं कर सकती फिर ये होता है कि दुपट्टा एक तरफ जूती एक तरफ और फिर पहले बैठ के इनको खाना खिलाओ और फिर शिकायतें ये कि मैं पूछती हूँ तो मैं खाना नहीं मिला तो ये बाकायदा एक तरह से शिकायत होती है कि वाकई इसको फिर वो चीखती है मेरी मेट के अच्छा तुम लोग इतने नमक हराम हो मैं सारे दिन तुम्हें खिलाती हूँ पिलाती हूँ और तुम जो बस माँ के आते ही जो वो तो कहता भी माँ बहुत अटैच हो जाते हैं बिल्कुल लड्डू तो बाजों का बिल्कुल ऐसे आवाज देता है देखते हैं माँ जूनी जूनियर जूनियर यहाँ यहाँ जूनी यहाँ बेटा यहाँ आ जाओ मेरे पास आओ यहाँ आ जाओ ये देखो भाई जूनी आ गया ये तो मेरा जूनो बच्चा है ये नहीं टेबल पे नहीं टेबल पे नहीं टेबल पे नहीं अभी उसने वो देख लिया बस वो उसको चीजें नजर आ गई ना देखो चाय गिरेगी जी अम्मा 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 चलो ये घबरा गया कि कहीं किसी को दे तो नहीं रही मैं उसे जी 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 बिल्कुल तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है अभी एक डॉक्टर मुझसे मिली मैं अपने गई थी सिटी स्कैन करवाने उसने मुझे जब चीजें पूछी सारी डाओ में क्या करती हैं मैंने उनको बताया मैं ये करती हूँ कहने की इतना काम कर लेती हैं आप बिल्कुल मैं भी यही सोच रही मैंने कहा मेरी गर्दन ठीक कर दे मैं इससे भी ज्यादा काम करूंगी तो अच्छा है मैं एक्टिव रहती हूँ आपकी इस एक्टिवनेस का राज कोई आप जैसे कहते हैं कि काम और इसमें इंसान थक जाता है इंसान की रूह थक जाती है तो कुछ क्या ऐसा करती हैं जो मैं कहूँ कि आपकी एक्टिवनेस का राज क्या है अक्सर लोग मौसीकी सुनते हैं रूह की गजा उसको समझते हैं मानते हैं तो टाइम ही नहीं होता आप मौसीकी नहीं सुनती हैं नहीं मैं सिर्फ टॉक शो देखती हूँ आजकल अच्छा। बहुत खुश्क हो गई हूँ इन लोगों में रहते रहते हालात में तो टॉक शो क्योंकि मेरा ताल्लुक भी है मुझे असेंबली में भी बात करनी होती है मुझे मीडिया पे भी आपके प्रोफेशन का हिस्सा है वो और दूसरा ये कि कुछ मखसूस ड्रामे जिनकी पहली किस्त अगर देख ली है तो फिर सारे ड्रामे फिर देखना पड़ता है आगे को जैसे आजकल खुदा और मोहब्बत चल रहे हैं और एक दो और चल रहे हैं तो इस तरह चलता है कभी कभी मैं देख लेती हूँ पिछले दिनों बहुत ज्यादा शौक था तो मैं गेम भी बहुत खेलने लगी थी अच्छा मोबाइल पर अरे वाह लेकिन अब वो डॉक्टर ने कहा जी गर्दन का मसला हुआ है तो बिल्कुल बंद कर दें तो बंद कर दिए लेकिन ये कि वो जुनून की हद तक था कि जी वो तो इतना वैसे यह तासर होता है कि जो सियासत में लेडीज हैं या मर्द हजरात हैं इतने सख्त इतने खुश्क और इतने संजीदा हैं लेकिन आप तो बहुत फ्रेंडली हैं आप गेम्स खेल रही हैं आप ड्रामे देख रही हैं आप टॉक शो सुन रही हैं जब आप काम को बोझ समझ के करते हैं ना तो फिर आप थक जाते हैं
और बोर भी हो जाते हैं जब आप काम को शौक समझ के करते हैं या कोई एम लेके करते हैं। अभी सब मेरी ज़िंदगी का है, एम ये है कि मैंने कुछ बच्चों को अगर इंसाफ दिला दिया, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को देख रही हूँ, मेरे अंडर कोई 6-7 किस्म के बच्चे जो हैं वो मुझे देखने होते हैं जिसमें सेक्शुअल अब्यूज़ है, अर्ली चाइल्ड मैरिज है, मिसिंग चिल्ड्रन है, चाइल्ड लेबर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो यही सारे मसले मसाइल हर आए दिन जो इतला अगर मुझे मीडिया के ज़रिए, मैं बहुत मशहूर हूँ मीडिया की, कोई भी चैनल हो या कोई भी अखबार हो, हमें चैनल के ज़रिए बार दफ़ा पता चलता है कोई हादसा हो गया कहीं भी बच्चे के साथ, तो उसको जब तक इंसाफ ना मिल जाए, इंसाफ दिलाना मेरा जो मेरी जो बाउंड्री है काम की वो FIR तक है कि मैंने एक बच्चे को बाजियाब किया या शादी रुकवाई या जो भी किया और पुलिस के ज़रिए मैंने FIR करवाई, उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी सिर्फ फॉलो अप की रह जाती है कि मैं उसको ओवरसी करूं, फिर कोर्ट का मैटर बन जाता है। जी जी, फिर कोर्ट ने क्या करना है, ये भी एक बड़ा काम है क्योंकि FIR कराना, चीज़ को हाईलाइट करना, यहाँ मसला हो रहा है ये कोई बताए, ये भी बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में। कामयाबी मुझे कुछ अर्से पहले ये मिली कि जब मैं दोबारा से मैंने संभाला ये चार्ज, तो अमेंडमेंट चाहिए थी मुझे रूल्स में, एक्ट में, रूल में, तो मैंने फिर खुली कचहरियाँ की इंटीरियर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके, 6-7 डिस्ट्रिक्ट में मैंने कचहरियाँ की, वहाँ से मैंने लोगों से पूछा कि मज़ीद कैसे इसको बेहतर करें, तो उसके बाद मुझे कामयाबी ये मिली कि अमेंडमेंट आई और उसमें बहुत सारे इख्तियारात अथॉरिटी को और मज़ीद मिल गए कि मैं सोमोटो भी ले सकती हूँ, मैं जज के अपनी जुडिशरी भी, हम जज भी रख सकते हैं, बना सकते हैं। अब इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप देखेंगे कि और बेहतरी आ जाएगी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन में कि हम बच्चों को इंसाफ, अगर 2-4 बच्चों को, मैं हमेशा सबसे अब ये कहती हूँ कि बहुत हमने इस धरती से पढ़ लिए, पैदा हुए, पढ़े लिखे, इज्जत, दौलत, शोहरत, तीनों चीज़ें इस धरती से मैंने कमाई हैं, अब वापसी का वक्त है कि अब मैं वापस करूँ अपनी वो चीज़ें जो मैंने हासिल की। बहुत बड़ी बात। मैं अपना वॉलंटियर सर्विसेज में, और उसमें मुझे गोल्ड मेडल प्राइज़ मिला हुआ है 2010 का फातिमा जिन्ना अवार्ड जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुझे दिया था जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उसी मेडल की इज्जत रखते हुए मैं कहती हूँ कि अगर मैं कुछ कर जाऊँ। जी जी, क्योंकि मेडल मिलता है तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कंधों पे, और वो ये नहीं कि सिर्फ मेडल्स लेके रखना है। और मैं कहती हूँ हमेशा कि पार्टी और जो भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं हर वो काम मुझे देते हैं जिसमें अर्निंग नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि दिल से आप ही करेंगे ना, इस तरह के लोग बहुत कम हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ कि मेरी सलाहियतों को देखते हुए मेरा चेयरमैन या मेरे CM या अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा अगर वो समझते हैं कि मैं कर सकती हूँ तो मैं, वो जिम्मेदारियाँ मुझे मिलती हैं। मैडम, आपकी जो नेचर है, मैं समझती हूँ कि फिर बचपना तो आपका बहुत शरारती और नौटी रहा होगा, क्योंकि जो हिम्मत और जो एक ब्रेवनेस आपकी इस उम्र में है, मैं समझती हूँ बचपन में तो ये बहुत ही पीक पे होगी, आपका क्या ख्याल है? शरारती तो बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन थी, तो स्कूल की जितनी स्पोर्ट्स की बनी हुई थी ना, हमारे ज़माने में बहुत स्कूलों में बहुत अच्छे हालात थे, शायद अब इतने अच्छे नहीं हैं, तो उस वक्त स्पोर्ट्स की जितनी चीज़ें बनी हुई थी, बैंड में भी मेरा हिस्सा होता था, हाँ लड़कों के साथ बहुत खेलती थी, तो क्रिकेट भी खेली और गिल्ली डंडा भी खेला, अगर आपको पता हो गिल्ली डंडा क्या होता है, पतंग भी उड़ाई, अरे वाह, और पिट्ठू गरम बहुत खेला, वो जिसमें पत्थरों से पहाड़ बनाते हैं, बॉल मारते हैं फिर भागते हैं, ये तो वो ट्रेडिशनल गेम्स हैं हमारी जो बहुत खेले ये सब कुछ, तो ये वाली शरारतें बहुत की जी। लेकिन वो जो बदतमीज बच्चों वाली है कि किसी की बेल बजा के भाग गए, किसी को पत्थर मार दिया, ये वाली शरारतें कभी नहीं की। हाँ, इंसाफ का उस वक्त भी जहन में रहता था, तो किसी के साथ नाजायज होता था, कोई बच्चे एक बच्चे को 2-4 लोग मिलकर मारते थे, तो हमेशा मैं सुपरमैन बन के या सुपरवुमन बन के पहुंच जाती थी और बच्चे को बचाना, और वो ये सब कुछ किया। तो जैसे कहा जाता है कि इंसान पैदा होता है एक उसका एम होता है, एक कोई उसका वो टारगेट होता है, इसकी वजह से वो दुनिया में आता है कि उसको ये काम करना है, तो आपकी लाइफ से तो मुझे यही हो रहा है कि शायद पैदा करने वाले ने इसीलिए आपको बनाया होगा। नहीं, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ रहा, मैं भी लोग पढ़ती हूँ या सुनती हूँ कि जी बचपन से हमारा ये एम था, मेरा कोई एम नहीं था, मैं बिल्कुल एक लाओबाली बच्ची थी, बहुत बुजदिल सी, अच्छा, और डरपोक सी कि अगर 4 लोग ज़ोर से बोलते थे तो मैं डर जाती थी, वो वाली कैफियत थी मेरी, एम कुछ नहीं था। मैंने हमेशा से ये नोट किया कि मेरी जो ज़िंदगी की जो कश्ती है या नाव है, बस वो तैरती चली जा रही है और कहीं ना कहीं वो खुद ही रुक जाती है, कोई हर्डल आ जाती है या कोई रास्ता मिल जाता है, जैसे पानी को रास्ता मिलता जी, है जी, तो बस इस तरह समझ लें, मैं पानी का मुझे एक रास्ता है जो खुद ब खुद बनता है। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मैं कोई सोशल वर्क करूंगी, मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मैं काउंसलर बनूंगी, मैंने काउंसलिंग भी की,
लेकिन इतने सारे काम किए आपने माशाल्लाह, तो अभी कोई ऐसा काम जो आप अभी भी कोई ऐसा ख्वाब हो जो आपका अभी पूरा ना हुआ हो, या कोई? बिल्कुल, मेरा ख्वाब है कि मैं जो मेरे बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए कोई शेल्टर होम मैं ख़ुद चला सकूं, जिसको मैं वहीं रहूं उनके साथ और उनको कंपनी दूं, उनको कंपनी दूं। और मेरे जहन में, मैंने बीबी से भी डिस्कस किया था ये, जब बीबी ज़िंदा थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैंने बीबी से भी डिस्कस किया। बीबी को मैंने ईमेल की थी जब बीबी दुबई में थी, वो ईमेल मेरे पास आज तक है। बीबी ने जवाब मुझे दिया था, कैरी ऑन, किसने रोका है। जबरदस्त। तो मैं उस वक्त से ख्वाब लेके चल रही हूँ कि मुझे बूढ़े लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है, और ख़ासतौर पर गरीब का बुढ़ापा और बीमार का बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा ही बीमारी का नाम। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बूढ़े लोग हैं उनको मैं उनके साथ रहूँ, उनकी काउंसलिंग भी हो, उनको कंपनी दूँ, उनके साथ गेम खेलूँ, उनके साथ गार्डनिंग करूँ, बैठ के मैं गार्डन में चीज़ें लगाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें, फूल फल, कि वो वहीं से खाएँ, वहीं काटें, मतलब एक उनको मोहताजी का एहसास। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो ये जो है ना वज़न उठाने वाले बूढ़े लोग, कुली या आप देखें मजदूर, मुझे इन पे बहुत रहम आता है। मेरा दिल चाहता है मैं इन लोगों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि इनको ये ना करना पड़े। बहुत आपके रोशन और बड़े ख्याल आते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मौका मिले और हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को, हमारी कौम को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। इस प्लेटफॉर्म पे आप हैं जिस पे आप ये कर सकती हैं, और अगर ये सोच रही हैं तो ये भी एक बड़ी हिम्मत की बात है आप इस तरह की सोच रही हैं। अब सेकंड जो है वो बच्चों वाला मामला है कि बूढ़ा और बच्चा बराबर। तो मैंने ज़ाहिर है सीनियर सिटीज़न पे भी काम किया और अब चाइल्ड पर तो चल ही रहा है मेरा। तो बस ये समझ लें कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है। तो मैं बच्चों के लिए भी बहुत बहुत वरी हूँ कि ख़ासतौर पर जो सेक्शुअल अब्यूज़ है, बस I'm glad कि एटलीस्ट आप अवेयर हैं। लोग अवेयर ही नहीं होते कि ये मसाइल भी हैं सोसाइटी में। लेकिन अवेयर हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी और इश्यूज सॉल्व तब होंगे जब वो नज़र आएंगे कि ये इशू है। जब किसी को नज़र ही तक आप सज़ा और जज़ा का निज़ाम सही नहीं करेंगे ना। हमारे यहाँ मुल्क में इस वक्त जो है ना, सज़ा का निज़ाम तो है लेकिन जज़ा का निज़ाम नहीं है। हम FIR करवा देते हैं एक बच्ची के साथ या बच्चे के साथ सेक्शुअल अब्यूज़ होता है। दो बहुत अहम वाक़यात हैं अभी, पन्नू अकील का एक वाक़या है कि बच्चा जो है मस्जिद की छत पे से 20 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी में रिकवर करके लाई, उसके साथ सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ और उसको मार भी दिया गया, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह दादू में एक सहाफ़ी का बच्चा था हमारा, वो मदरसे का ही बच्चा था वो भी, लेकिन उसने अपने आप को छूने नहीं दिया तो उसको छत पे से नीचे फेंक दिया गया, उसका केस। तो मैं कहती हूँ कि हमारे जज हजरात, मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कहीं मैं कोर्ट ऑफ कंडम में भी आ सकती हूँ कभी ना कभी, ज़रूर, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन मैं बड़ी अजदाना दरख्वास्त करती हूँ हमेशा अपनी अदलिया से कि आप सारे काम करें लेकिन इस पे देर ना करें। देखिए, एविडेंस मौजूद है, मुजरिम पकड़ा गया है, वो कहता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मेडिकल हो जाता है जुर्म साबित हो जाता है, DNA हो जाता है, मैच हो जाता है, जुर्म साबित हो जाता है। अब आपको कौन सी गवाही की ज़रूरत है? बिल्कुल। फिर आप केस को इतना लंबा कर देते हैं कि गवाह मुकर जाते हैं, जी जी, बिक जाते हैं, डर जाते हैं, और आवाम भी नाउम्मीद हो जाती है। जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। इंसाफ से तो आवाम बिल्कुल नाउम्मीद है, वो कहते हैं कि फ़ायदा मैडम आप ले जाएंगी, मैं गवाही दूंगा, उसके बाद 4 महीने तक मैं अपने ऑफिस जाऊँगा, या मैं मजदूरी पे जाऊंगा, या मैं अदालत जाके हाजिरियां लगाऊंगा। तो वो नहीं जा पाते अदालत। स्पीडी कोर्ट होने चाहिए ताकि फौरन जज जो है ना 90 दिन में 60 दिन में इन मुकदमात का फैसला। आपके पूरे करियर में कोई इस तरह का वाकया जो आपको याद हो, जो आप कभी भूल नहीं सकती हैं और आप समझती है कि उस वाकये ने वहाँ से आपको एक टर्निंग पॉइंट दिया? बहुत पहले, शायद आपकी पैदाइश से भी पहले, आयशा मंजिल का इलाका था और तरन्नुम अजीज़ केस हुआ था। 10 साल की बच्ची थी वो, और वो घर से गायब हो गई थी स्कूल से आते में, और कुछ अरसे के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। और मैं उस वक्त बहुत यंग थी, इतनी यंग थी कि मुझे बिल्कुल ज़िंदगी की संजीदगी का नहीं पता था। तो बस एकदम से हुआ कि चलते हैं तरन्नुम अज़ीज़ के घर भी, चलते हैं, तरन्नुम अज़ीज़ नाम था, चलते हैं उसके घर भी। तो मैं उसके घर गई और मैंने जब उसकी कैफियत देखी घर की, और उसका कज़न, खुद चचा का बेटा उसमें इन्वॉल्व था, उसने उस बच्ची को अगवा किया, उसने ऊपर कमरे में बंद रखा, बाथरूम में उसका अब्यूज़ भी करता रहा, उस बच्ची की कॉपियों पे जो राइटिंग मिली, दीवारों पे जो राइटिंग मिली, उसने कहीं अंदर से मेरी वो बागीपन जो था ना उसको उभारा कि अगर मेरा बस चले ना तो वाकई मैं इन लोगों को रोड पर खड़ा करके पत्थर मार मार के मार दूँ, अगर मेरा अभी भी बस चले। क्योंकि ह्यूमन राइट्स बीच में आ जाता है हमेशा कि जी फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो ह्यूमन राइट्स जब कहाँ चला जाता है, जब 4 साल की बच्ची या 5 साल की बच्ची का रेप होता है और उसको मार दिया जाता है, तब ह्यूमन राइट्स कहाँ चला जाता है।
मैं कंडम करूंगी वज़ीर आज़म के उस स्टेटमेंट को कि जी उनका लिबास औरत का ऐसा था कि मर्द अपनी मर्दानगी को नहीं छुपा पाया। तो मेरे भाई मदरसे का जो बच्चा है उसका लिबास तो बिल्कुल पूरा था ना, वो तो शलवार कमीज पहना हुआ था ना, उसने तो कोई बेहुदा लिबास उसके साथ फिर क्यों हुआ। तो ये खामखा की बात है। और मैं समझती हूँ इसके बाद, अभी मैंने कल पढ़ा कि हर 300 सेकेंड के बाद लाहौर में अब्यूज़ का शिकार हो रही हैं औरतें, चाहे वो देखने का हो चाहे वो जिस्मानी हो, हैरेसमेंट हो रही है। तो ये उस स्टेटमेंट की वजह से मैं समझती हूँ कि लोगों को शय मिली कि कोई भी लड़की अगर जा रही है चाहे वो बुरके में क्यों ना हो तब भी उसको घर तक छोड़ के आना है उन्होंने आंखों आंखों में, और अगर वो बेचारी मॉडर्न है तो वो तो है ही गुनाहगार। बिल्कुल सही। तो इसको हमें इस तरह देखने की जरूरत है कि मुआशरे में से जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे आपको कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। नाजरीन मैडम संग कचहरी गालबोल हले थी पई जेके हिन वक्त सोशल इशूज जेके पॉइंट्स मैडम उभारिया हैं तमाम नाजुक तमाम सेंसिटिव इशूज आहिन वधीक दिलचस्प गुफ्तगु जारी रहंदी नंढड़ी ब्रेक खां पोए। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक खां पोए हाजिर आहियूं। ऐं हींअर असां मैडम सां कचहरी पिया कयूं त अचानक मौसम खुशगवार थी पियो, बारिश थी पई। सो असां मैडम सां ॻाल्हियूं कंदे कंदे वरी टेरिस ते पिया वञूं, ॾिसूं पिया त उते कहिड़े क़िस्म जो मौसम आहे, कहिड़े क़िस्म जी मैडम जी टेरिस खे मैडम डेकोरेट कयो आहे, कहिड़े क़िस्म जी उनजी रहाइश आहे, या उन सां माण्हूअ जी पर्सनैलिटीअ जो बि अंदाज़ो थिए थो। मैडम आपने रिसेंटली ज़िक्र किया कि आप जो है चेयरमैन साहब की बर्थडे रिसेंटली गुजरी है, तो उस पे आप लोगों ने मिल बैठ के कुछ ख्वातीन ने उनको विश किया बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। चेयरमैन की सालगिरह से पहले तो पहले मेरा फिश एक्वेरियम भी आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि मेरे पास फिशेस भी हैं और मेरे पास कछुए भी हैं। ओह अच्छा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे पीछे करते रहते हैं चीजें, तो ये साथ साथ आइए हम आपको चेयरमैन साहब की सालगिरह का भी बताएंगे और थोड़ा सा टेरिस की तरफ भी चलते हैं ताकि आपको हम दिखा सकें कि बाहर का मौसम जो है कभी कभी शाम में जब हम चाय पीते हैं बैठ के तो किस तरह हम इंजॉय करते हैं अपने मौसम को। और ये भी एक अल्लाह की नेमत है जी जी कि पाकिस्तान में हमारे पास तो 4 मौसम है लेकिन इमरान खान के पास 12 मौसम है पाकिस्तान में जो के हैं, लेकिन हमारे पास 4 है मौसम जिनको हम इंजॉय करते हैं। और लेकिन इंसान मौसम का इंसान की तबीयत पे बड़ा असर होता है। मैं समझती हूँ कि खुशगवार मौसम हो तो इंसान भी खुशगवार हो जाता है, गर्मियाँ हों तो इंसान भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है नेचर में। आपकी नेचर में इस तरह का असर होता है, आप समझती हैं मौसम का? देखिए हर चीज़ असर तो करती है, जीती जागती शख्सियत या इंसान होता है जी जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि मौसम को काम के मामले में कभी आड़े नहीं आना चाहिए। तो जो भी मौसम हो, और आपको पता है पॉलिटिक्स में तो मौसम की कोई कैद ही नहीं है, गर्मियों में ही गर्मा गर्मी होती है, बिल्कुल सर्दियों में तो बहुत कम होती है। तो गर्मियों की गर्मा गर्मी में हम रोडों पर भी बैठते रहे, सड़कों पर भी रहे, एहतजाज भी करते हैं। और अभी चेयरमैन साहब ने फिर अनाउंस किया है कि हम फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए रोडों पर निकलने वाले हैं। और अगले वीक में आप देखिएगा कि इस हफ्ज़दा मौसम में चेयरमैन साहब मतलब इरादे आपके बिल्कुल पुख्ता हैं, आपके जो इरादे हैं फ्यूचर टाइम में आपको जो काम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो समझती हूँ कि इस हुकूमत को घर भेजना है हमने, जो कि सिलेक्टेड है, नाहेल है, हम पर लागू की गई है कि हमने जो है इनको अपने सर पर बिठाना है। तो जिस तरह ये आए हैं इनको वापस भी जाना है। शेर व शायरी में आपने कभी फील किया, आपने आपने जिक्र किया पहले कि आपने लिखा भी है, कभी शायरी लिखी है कि इस तरह खूबसूरती पे नेचर पे? आज़ाद शायरी लिखी है क्योंकि वो वजन वजन जो होता है ना शेरों का वो मुझे करना नहीं आता। अच्छा। तो वो कहीं इधर उधर निकल जाती तो कुछ मैं। शेर याद है आपको अपने लिखे? मुझे अपने तो याद नहीं है, लेकिन मुझे फैज़ बहुत पसंद है, मुझे जालिब बहुत पसंद है। अच्छा। जालिब तो आपको पता है ना मैं बागी हूँ। जी जी बिल्कुल मैं बागी हूँ। एक शेर तो बगावत का हमें सुनाई दे। बगावत का डरते हैं एक निहत्ती लड़की से, क्या कहते हैं वो बंदूकों वाले डरते हैं एक निहत्ती लड़की से। तो हम तो वो लोग हैं जो निहत्ती लड़कियां हैं जो बस निकले हैं इस बगावत के लिए। तो जालिब अच्छा, साहब को बहुत सज़ा मिली। डर नहीं लगता अब? नहीं लगता, पहले बहुत लगता था, अब तो मैं खुद टारगेट पर रहती हूँ, कभी मुल्लाओं के कभी मौलवियों के। देखिए बीबी ने एक बात कही थी कि जो रात कब्र में आनी है वो कब्र में आनी है, तो मैं भी बस उसी पे चलती हूँ कि जब बीबी जैसी खातून इतनी सिक्योरिटी के बावजूद सबके बावजूद हम में नहीं रही तो हम फिर क्या चीज़ हैं।
तो अगर हमारी भी जिस दिन आई है उस दिन चल देंगे। अच्छा, मीडिया में आपका दिलचस्पी, आप देखती हैं फिल्में, देखती हैं कोई आपका अदाकार जो आपका पसंदीदा? मैं कॉमेडी मूवीज देखा करती थी बहुत। अच्छा। और मैंने कहा ना, मुझे हमेशा एंडिंग में जो है हैप्पी पसंद है। बिल्कुल। तो अदाकार वक्त के साथ साथ बदलते हैं। तो फेवरेट फनकार कौन है? अमिताभ बच्चन। अरे अच्छा, शुरू से लेके अब तक सत्ते पे सत्ता देख लें, या फिर आप वो देख लें उसकी क्या क्या था वो नटवर लाल। बिल्कुल। अभी मुझे याद है कि ये जीना भी कोई जीना है ललू। शायद आपको याद ना हो मगर मुझे याद है। और भी बहुत सारे ऐसे अब नए दौर में। वर्ल्ड वाइड बिल्कुल। और पाकिस्तान की फिल्मों में चॉकलेटी हीरो वही तो रह गई, बस एक ही तो ख्वाहिश अब रह गई है कि अब उनसे मिला जाए। लेकिन जाहिर है पता नहीं अब मुमकिन है कि नहीं। पाकिस्तान में चॉकलेटी हीरो था वहीद मुराद। हाँ। जो हमारे दौर का था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत पसंद था। अब तो बहुत अरसा हो गया, मेरे ख्याल से अब वो मेयार फिल्मों का रहा भी नहीं है पहले वाला। तो नहीं रहा इंडियन में भी वो नहीं रहा। लेकिन उनके अभी भी जरा सा है, खासतौर पर जब कॉमेडी में बात करते हैं तो अक्षय कुमार आ जाता है, आमिर खान आ जाते हैं। आमिर खान की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं। और जिसको मैंने बड़ा जवाब बनाया है कि तारे जमीन पर। बिल्कुल। और सोशल इश्यूज पे वो आपकी, मुझे यही लग रहा था कि आपको ये फिल्म बड़ी पसंद आई होगी। उसके साथ दूसरा जुमला नहीं सुना आपने, तारे जमीन पर और अब सारे जमीन पर। तो कप्तान की हुकूमत है, हम सारों को जमीन पर ले आए, तो अब हम कहते हैं तारे जमीन पर आमिर खान की। ये भी एक दौर है, इसको भी हमें मुंह देना है और गुजारना है। बिल्कुल दे रहे हैं, देते भी दे रहे हैं। आप जैसे लोग तो बड़ी हिम्मत के साथ जाना है, इसने वापस जाना है। अच्छा। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। को चेयरमैन ने मेरे कहा है कि अपने पैरों पर ये खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, हम इन्हें नहीं गिराएंगे, ये खुद गिर जाएंगे। नाजरीन, मैडम जी टेरिस से मौजूद आई हूँ, खुशगवार मौसम लगो पे हुआ। पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि आपके अपने सिबलिंग्स भाई बहन कितने रहे हैं बचपन में आप? मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद। अच्छा। ना कोई भाई और ना कोई बहन। और वालदैन मेरे बहुत सीधे साधे, मेरे वालिद हिजरत करके आए थे मशरकी पंजाब। अच्छा। 1947 में। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने लाहौर में क़याम किया, वहाँ पर ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी उनके लाहौर में गुजरी। अब मैं इकलौती औलाद उनकी रही। सही। और अब मैं आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि शायद किसी और की ज़िंदगी में ये ना हो, ये भी एक अनोखी बात है कि अगर अब मैं नादरा के ट्री पे जाके जब मैं क्लिक करती हूँ तो मैं आखिरी पत्ता हूँ उस ट्री का कि जो गिर गया तो ख़त्म। अच्छा। तो वो ट्री ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। उस पे खिजा आ जाएगी। अच्छा। तो मुझे ये भी बड़ा फ़ख्र है कि मैं आखिरी फ़र्द हूँ, अपनी पूरा मेरा शिजरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने भी आखिर में जैसे अब एक अपने जो ज़िंदगी में काम किए, बड़े बड़े काम किए हैं कि पूरे ख़ानदान का एक प्राउड फील किया, अपना ख़ानदान का नाम रोशन किया। शादी आपने किस उम्र में की मैडम? मेरी जो पहली शादी थी, मेरी दो शादियाँ हुई। पहली शादी जो मेरी थी वो तो बहुत अर्ली मैरिज में, अर्ली चाइल्ड मैरिज में जाएगी, अगर उस वक्त एक्ट मंजूर होता तो शायद सजा हो जाती। अच्छा। तो वो बहुत छोटी उम्र में हुई, वो कोई मेरे ख्याल से 14-14.5 साल की एज थी मेरी। अच्छा। और वो शादी मेरी चली कोई 32 साल। अच्छा। 32 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई हार्ट अटैक में, और उसके बाद जो है फिर वो एक अरसा गुजरा। लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक़ एक पार्टी से है और मेरे सियासी उस्ताद ताज हैदर साहब हैं, उन्होंने उस वक्त फील किया कि मैं अकेली जो है वो शायद इतना अच्छा सर्वाइव ना कर सकूं, जो कि हमारा माशरा है, वो कंसर्न थे आपके। तो उन्होंने फिर एक फ़ैसला किया जो कि मैंने ओबे किया। उनके पीएस होते थे यूसुफ पीरजादा साहब, उनसे फिर वो एक निकाह कह लें और वो एक सेरेमनी छोटी सी कह लें, कि उन्होंने कहा कि नहीं इस माशरे में जो है वो, हालांकि वो बहुत खुद लिबरल हैं ताज साहब, लेकिन ज़ाहिर है उनको अंदाज़ा था कि इस माशरे में एक औरत का रहना, अकेले निकलना या ये सब करना। तो वो एक लाइफ गुजरी मेरी मुख्तसर सी। यूसुफ पीरजादा साहब जियो में प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उसके बाद एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और मुझे इस समंदर में, दुनिया के समंदर में फिर सर्वाइव करने के लिए ज़ाहिर है मैं रह गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी है मेरे साथ, मेरे घर में भी बाहर भी मेरी पूरी टीम पीपल्स पार्टी की। मैं एक आवाज़ दूं तो मैं समझती हूं कि ये लोग मेरे लिए खड़े होते हैं। मैं हमेशा कहती हूं पीपल्स पार्टी एक फैमिली है। बिल्कुल। और मेरी फैमिली बहुत बड़ी और है। आपने अपनी पूरी उम्र दी है। मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है। जी जी। पूरा पाकिस्तान मेरी फैमिली है, बल्कि मुझे फ़ख्र है कि जब मैं कोर्स करने इंडिया गई, इंडिया का एक शहर केरला, वहाँ मुझसे, हम चार औरतें गए थे पूरे पाकिस्तान से, तो वहाँ मुझसे पूछा उसने केरला में एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने कि इसमें से बेनज़ीर भुट्टो वाला कौन है। तो मैंने हाथ उठाया तो जो एप्रिसिएशन मुझे वहाँ मिली और मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने दूर दराज जगह पर एक यंग लड़का मुझसे पूछ रहा है कि बेनज़ीर वाला कौन है, तो मतलब बेनज़ीर की पहचान वहाँ तक थी, तो इसका मतलब है मेरी फैमिली वहाँ तक है। तो पीपल्स पार्टी, बिल्कुल,
और कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, मेरी एक आवाज़ देने की ज़रूरत होती है, पूरा एक झमघटा मेरे घर पे मौजूद होता है, मेरे साथ मौजूद होता है। मैं खुद भी वॉलंटियर कर रही हूँ, ये सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मेरे साथ एक वॉलंटियर की पूरी टीम है। मेरे ख्याल से आपकी जो एक पर्सनैलिटी है हमारे ख़ानदान और हमारे यूथ की औरतों और लड़कियों के लिए एक मिसाल है। आप उनको पैगाम देना चाहती हैं हमारी औरतों को, हमारी ख़वातीन को? मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा किया है तो मुझे औरत नज़र आना चाहिए। तो मेरी पहली कोशिश ये होती है, और मैं अपनी लड़कियों से भी कहती हूँ कि बेटा औरत रहो तो आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं अपनी हद को क्रॉस करूँगी तो यकीनन कोई दूसरा भी अपनी हद क्रॉस करेगा। मुझे काम करने में कभी हर्डल पेश नहीं आई ये सोच के कि मैं औरत हूँ। अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को इतना पुख्ता कर लो कि दलील के साथ बात करो, कोई भी आपकी बात को निरद कर सकेगा। आगे दुनिया जो है वो यूथ की है, हम तो अपनी एज गुजार चुके हैं, अपने काम भी कर चुके हैं अपने हिस्से के, अब मुझे अपना एक सेकंड लीडरशिप बनाना चाहिए। हम हमेशा ये करते हैं कि अपनी सेकंड लाइन नहीं बनाते, सब लोग घर हो या घर से बाहर हो, माँ मर जाती है बच्चे रोते हैं अब घर कैसे चलेगा, बाप मर जाता है बच्चे रोते हैं कि आप बिल कैसे भरेंगे, हमने तो कहीं भरा ही नहीं, टैक्स हमने भरा ही नहीं, क्योंकि सेकंड लाइन हम तैयार नहीं करते। मैं हमेशा अपनी सेकंड लाइन, अगर आसान लब्दों में प्लान बी, बिल्कुल मैं प्लान बी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं बना के रखती हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। तो ये खला नहीं होगा कि कभी शमीम, ज़ाहिर शमीम ने हर दफ़ा तो नहीं होना, कभी शमीम हयात होते हुए भी नहीं होगी, घर बैठ जाऊँगी अपनी एज से, अपनी बीमारी से या किसी भी चीज़ से। तो मेरी सेकंड लीडरशिप तैयार है जो मेरे बीबी के शहीद भुट्टो के नज़रियात को लेके आगे बढ़ेगी, और इंशाल्लाह हम 2023 का सूरज मैं देखना चाहती हूँ जो बिलावल भुट्टो के नाम का हो, और बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे, वो दिन समझ ले मेरी कामयाबी का अहम तरीन दिन होगा कि मैं अपने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाऊं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ, और आपके सारे ख्वाब पूरे करें। आपको क्या लगता है कि आपके बाद अगर इंसान देखा जाए तो आपने तो अपनी एक मिसाल कायम की है, एक रास्ता चुन लिया है अपना, कोई और शमीम मुमताज नज़र आती है आपको? मुझे अभी फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आती। अच्छा, कोई नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं मुनफरिद हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो मुनाफिक है, बिल्कुल मुनाफिकत और सच्चाई, मतलब झूठ ना हो, मुनाफिकत ना हो, आप सच्चाई से चलें तो हर औरत शमीम बन सकती है, हर औरत बेनज़ीर बन सकती है, क्योंकि बेनज़ीर में एक ही तो खूबी थी, बिल्कुल, कि वो जो बोलती थी उस, वो रोल मॉडल थी, जो बोलती थी नज़र आता था। नाजरीन, तमाम दिलचस्प हिकड़ी गाल आई त मैडम उर्दू स्पीकिंग आए पर सिंधी भी गलती सके पो हियर अस मैडम का बटर सवाल अस सिंधी में करता टू रिसूस ता गाल सके थी अस की थी कचहरी रहे अस जी। सो मैडम, तमाजा पसंदीदा को कम हो जे, को एड़ ख्वाहिश हो जे, मतलब का ख्वाब को जिंदगी में त इ मुके करनो आ? दो तीन चीजें तो मेरी हो चुकी हैं। मैंने जो है वो बहुत ख्वाहिश की थी कि मैंने जो है वो दरिया टेम्स को देखना है, वो मैं खुद देख आई हूँ जाकर। अच्छा। अल्लाह का घर भी देख आई हूँ, और मुझे बाय रोड सफर करना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं बड़े लंबे लंबे सफर जो है बाय रोड बाय कार करती हूँ। फैसिनेटेट करती है कि जब मैं ट्रेन को गुजरता देखती हूँ, मेरा बड़ा दिल चाहता है जल्दी से ट्रेन में सफर किया जाए। तो मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मैं इस तरह की चीजें जो है वो अवेल करूँ, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसको। अच्छा, और आपने एक रिसेंटली जिक्र किया था जिसको मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, कि आपने कहा था आपके ईदी साहब के साथ आपने कुछ कोलेब्रेशन के साथ कोई काम किया था, या कोई एक अनोखा किस्सा है जो शायद किसी को पता नहीं है, और मैं चाह रही हूँ कि हमारे शो के जरिए मैं आपके शो के जरिए शेयर करूंगी। मुझे बहुत शौक था कि मैं ईदी होम अंदर से जाके देखूं, तो ईदी साहब जिंदा थे और मैं उस वक्त काउंसलर होती थी। हाँ। तो मैंने ईदी साहब से ख्वाहिश का इजहार किया, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी इस शर्त के साथ कि आपने जो है वो कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो लोगों को नहीं दिखानी, क्योंकि काम पॉजिटिव है। तो मैंने दो तीन दिन जो है वो ईदी होम में गुजारे, और मैंने उन औरतों को बहुत करीब से देखा। अच्छा। जो वहाँ रह रही थी, जो खुद ही पकाती हैं, खुद ही खाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने उनके वो तमाम बैरिक्स भी देखे जिन बैरिकों में उनको रखा जाता था। अच्छा। तो मैं अप्रिशिएट करूंगी और मैं कहूंगी कि ईदी जैसा रोल हम सबको अदा करना चाहिए। जन्नत ये नहीं है कि मैंने हज किया, मैंने उमरा किया, लेकिन मैं समझती हूँ जन्नत वो है कि हज और उमरे के मौके पर जो लोग पानी पिलाते हैं वहाँ खड़े होकर, मैं समझती हूँ असल तो जन्नत ही वो है। बिल्कुल। तो बस वही जन्नत बिल्कुल कमाल की बात की। आपका कोई उस्ताद हो जिंदगी में, किसी ने मुतासिर किया हो? सबसे बड़ा तो मेरा सियासी उस्ताद जो है वो तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनको दुनिया मानती है कि पीएचडी करके आ जाओ तो उनकी सियासत को नहीं समझ सकते। अच्छा। लेकिन उनसे चूंकि बार बार रابطہ नहीं हो सकता, उनकी मसरूफियात और उनकी सेहत, लेकिन ताज हैदर साहब जो हैं वो बहुत शुरू से मेरे सियासी उस्ताद हैं, और मैं जब कभी कहीं फंस जाती हूँ तो एक वो वाहिद हस्ती होती है जो मैं ताज भाई को फ़ोन करती हूँ, और ताज भाई के बाद फिर मैं करती हूँ वकार मेहंदी साहब को, कि अगर ताज भाई ना उठा सकें तो वकार मेहंदी
साहब जो हैं वो हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं कि मैं वकार भाई कह के उनसे कहती हूँ मैं आपको तंग कर रही हूँ बेवक्त, वो कहते हैं नहीं शमीम बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो क्या बात है, और वो मुझे फौरन उसका जवाब। लेकिन ये भी एक एतमाद है और एक भरोसा मुझे है, पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं कहीं कोई भी मुश्किल में होंगी तो ये दो शख्सियात पार्टी में ऐसी हैं जो वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है मददगार साबित होंगी। नाज़रीन तमाम बेहतरीन दिलचस्प गालियों पर कहूँ असा मैडम शमीम मुमताज़ साहब तमाम बेहतरीन शख्सियत पर्सनली तमाम इम्प्रेस थी आया जेका उनकी औरत है बहादुर है बुर्दबारी से पैंजा कम करे पी पी जिम्मेदारी निभाए पी। इंशाल्लाह ईंदड़ हफ्ते हिकड़े नए चमकंदड़ सितारे सां गॾु तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदसि। तव्हांजी होस्ट बाख पीर ज़्यादा कढ़ींदव। इजाज़त अलावा।